यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की जय। बड़ी बरकत की दुआ करते हैं और चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में अमन की फिजा कायम हो जाए, आदल की फिजा कायम हो जाए और जड़ावाला के लोगों के लिए और मसीही लोगों के लिए इंसाफ मुहैया हो जाए। हम सारे लीडरान के लिए और सारी खुदावंद गवर्नमेंट के लिए भी दुआ करते हैं। ज़बूर नंबर 126 पहली आयत से लिखा है, जब खुदावंद सय्यून के असीरों को वापिस लाया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानी थे, उस वक्त हमारे मुंह में हंसी और हमारी जुबान पर रागनी थी। तब कौमों में ये चर्चा होने लगा कि खुदावंद ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं, खुदावंद ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और हम शादमान हैं। ऐ खुदावंद, जनूब की नदियों की तरह हमारे असीरों को वापिस ला जो आंसुओं के साथ बोते हैं। आज मैं तमाम पाकिस्तानियों को इंसानी हकूक के आलमी दिन की मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं आज तमाम मिनॉरिटीज लाइंस पाकिस्तान के जो फैसलाबाद की टीम है, जो हमारी यहाँ के सदर हैं, वुमेन सदर हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, बाकी तमाम नौजवान जिन्होंने तहरीक का परचम थामा है, जिन्होंने हमारी डिमांड्स पे बने हुए पोस्टर्स पकड़े हुए हैं, मैं उन बेटियों का, छोटे बच्चों का, मैं इन बेटियों का जो हमारे साथ हैं और इब्राहिम का जिसने तराना गाया और बाकी तमाम हमारी माओं का जो बुजुर्गी की हालत में भी यहाँ पे मौजूद है, मैं उन तमाम का, अपने सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी कोई बातों में, जिसके बाजुओं में, जिसकी टांगों में दमखम होता है, वो कौमें जिंदा रहती हैं और वो अपने हकूक लेती हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आइए और आज मैं वाइंड अप करता हूँ, मैं तो स्पीच तो नहीं करने जा रहा, लेकिन आज के हवाले से जो डिमांड्स हैं हमारी वो मैं रखना चाहता हूँ। मेरे साथियों ने भी कहा, सबसे पहली हम ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों को जो उनके बुनियादी हकूक हैं, वो सेहत की हकूक हो, वो तालीम का हक हो, वो इंसाफ का हक हो, वो साफ पानी पीने का हक हो, वो बीमारियों के खिलाफ तीमारदारी का हक हो, सबको बगैर किसी इम्तियाज के मिलना चाहिए। अच्छे, और मैं समझता हूँ कि हम तमाम पाकिस्तानी जो है, जो मजलूम है, वो आज के दिन अपने हुकूमतों से आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरी हमारी ये डिमांड है कि हम जो मखसूस नशिस्तें हैं वो खवातीन के लिए या वो अकलियतों के लिए, उन पे हमें हक राय दही हासिल नहीं, जिससे जमहूरियत का जो अमल है वो शफाफ नहीं रहता। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अकलियतों को और खवातीन को जो कौमी असम्बली में 70 नशिस्तें हैं उन पर हक राय दही दिया जाए, ताकि हम अपनी वोट की ताकत से अपने नुमाइंदे चुन के असेंबलियों में पहुंचा सकें, जो कानून साजी के अमल का हिस्सा बनते हुए हम अकलियतों के लिए, हम खवातीन के लिए हकूक हासिल करें। और
और हम जो जिस तरह हमारी आज की रैली को हमने जस्टिस फॉर जड़ावाला के नाम से मंसूब किया गया, मैं समझता हूँ कि जिन जो भी लोग जिन्होंने अलहामी किताबों की, जिन्होंने इबादत गाहों की, जिन्होंने लोगों के घरों में तोड़फोड़ और लूट खसूट की, उनको जलाया गिराया, जो भी मुलजमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और रियासत अपना किरदार अदा करे और इनको इंसाफ के कटहरे में ला के सख्त सजाएं दी जाएं। और हम इस तरह की किसी को भी दबाव में आके रायत जो दी जाती है हम उसके खिलाफ हैं और हम ऐसी रायत की हमेशा मजम्मत करेंगे और निजामत भी करेंगे। हम जो भी किसी इस तरह की किसी ताकत के बल बोते पे किसी सिफारिश के जरिए अगर किसी को छोड़ता है तो हम इस फेल की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान। और आज इसके साथ ही ये जो आज के हवाले से हमारी डिमांड्स है, और एक दफा फिर मैं आखिरी तौर पे जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है और केयर टेकर गवर्नमेंट है, मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्ले फील्ड मिलनी चाहिए। आप ये नहीं कि किसी एक जमात को दबाव में रख के आप शफाफ और साफ इलेक्शन करवाने की बात करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी इस तरह के मौके दिए जाएं, खास तौर पे जो आइनी तौर पे अकलीती अफराद के सदर बनने और वजीर आजम बनने पे जो कानूनी पाबंदी है उसको फौरी तौर पे आइन में अमेंडमेंट करके इसको खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। और तमाम दोस्तों का, पार्टिसिपेंट्स का, मीडिया के हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पे आए, जिन्होंने हमारी कवरेज की और जो अपने प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस दिन के हवाले से हमारी इस कावश को दुनिया तक पहुँचाएंगे। मैं उन तमाम दोस्तों का, तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बाद हम एक हमारे जो छोटे से बच्चे हैं उन्होंने इंसानी हकूक के हवाले से एक सॉन्ग तरतीब दिया है, ये सुन के हम सब पीसफुली डिस्पर्स हो जाएंगे। तमाम साथियों का, नौजवानों का, दोस्तों का, और मेरे साथ एजाज अंसारी साहब अभी एडवोकेट हमारे दोस्त हैं ये भी पहुंचे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये आज इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच। मुलाकात है पाकिस्तान, मुलाकात है पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और आज ये जो रैली आपके सामने है ये मिनोरिटीज अलायंस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से निकाली गई है। और आज की रैली का मकसद जस्टिस फॉर जड़ावाला है। एक खातून होने के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मिनोरिटीज की औरतों को जो उनका हक है वो नहीं दिया जाता। जिस वक्त जड़ावाला में ये वकूआ हो रहा था तो उस वक्त अगर आप देखें तो वहाँ पर हमारी माओ बहनों ने घरों से वो अतली हालत में दुपट्टों के बगैर, और उन्होंने पूरी तरह से कपड़े भी नहीं पहने थे जिस वक्त वो घर से बाहर निकली, और उन्होंने रात खेतों में गुजारी और वो छुपती रही लोगों में और जगह ढूंढती रही कि उन्हें कोई सहारा मिल जाए। मैं ये कहती हूँ कि ये कैसा पाकिस्तान है। हम तो जना का पाकिस्तान मांगते हैं, हम तो वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसका वादा कायद आजम ने हमारे माओ जनात के साथ किया था। और मैं कहती हूँ कि कहाँ है वो जना का पाकिस्तान, और कहाँ पर है हमारी गवर्नमेंट जिसको अकलियत की बेटियाँ नजर नहीं आती। और आज भी आप देखें तो जनावाला के जो मुसलमान हैं वो आज भी वहाँ पर खुलेआम वैसे ही घूम रहे हैं। क्या आप उनको नहीं पकड़ना चाहते? आप किसी और थाने का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपसे ये कहती हूँ कि आज इंसानी हकूक के आलमी दिन पर हम जो जमा हुए हैं और हमने मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ शहरों में जो एहतजाज किया है उसका यही
कि जनाब वाला के जो सारे आए हैं उस पर गौर होस किया जाए और गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर लोगों को इंसाफ मुहैया करे। बहुत शुक्रिया। मिनोरिटीज हैं उनको भी पाकिस्तान में हकूक मिलने चाहिए, ताकि हम भी पाकिस्तानी हैं, ताकि हम भी पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमें इंसाफ किया जाए, खासतौर पर जड़ा वाला के मामला में, जो कि अभी तक उसमें इंसाफ नहीं मिला, उसको सब इंसाफ किया है। जस्टिस फॉर जड़ा वाला के मामले में किया है कि जहाँ जो सारे हैं जड़ा वाला था, जो 16 अगस्त को हुआ था, उसमें इलाहाबाद की किताबों की अगर बेहतर हुई है, तो आबादत गाहों को बेहतर हुई है, जो बाइबल मुकदस या पुराने पाक को जलाया गया है, और जितने भी लोग मुसलमान उसमें मुलवस हैं उनको कहते हैं कि दाखिल किया जाए। और इस सारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक गायर हैं, इनको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। तो आज के दिन हम ये भी डिमांड करते हैं कि तमाम मुसलमान को गिरफ्तार किया जाए, और खूसी तौर पर अकलीतों के हवाले से हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म है वो की जाए। हमारे जो मखसूस नशितें हैं, ना सिर्फ अकलीतों की बल्कि खवातीन की, जो कौमी असम्बली में 70 सीटें बनती हैं, उन पर हक के रायदही हमें हासिल नहीं। वो चंद लोग उस पर फैसला करते हैं, जिससे कानून साजी का अमल मुतासर होता है और जमहूरियत की जो रूह है वो बर्बाद हो चुकी है। तो हम हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए लेवल प्ले फील्ड जो है वो सब पार्टियों को दी जाए, और अकलीतों को मखसूस नशितों पर हक राय नहीं दिया जाए। ये हमारी डिमांड है आज के वक्त। आज मिनोरिटी अलायंस अकनबटी चेयरपर्सन मैप की क्यादत में जो पुरअमन रैली निकाली गई है, ये हुकूमत वक्त को बराबर करवाने की कोशिश की गई है कि जैसे कि पूरी दुनिया में इस डे को मनाया जा रहा है, और जहां जहां भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, और ख़ास करके पाकिस्तान में, और ख़ास करके सानिया जड़ावाला में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है, उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तो आज जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं जो इंसाफ मुहैया कर सकते हैं, जो इंसाफ दे सकते हैं, आज मिनोरिटी लॉ अकमल भट्टी चेयरपर्सन की क्यादत में हम पुरजोर अपील करते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए और इंसाफ के तकाजों को पूरा करके इस डे की कदर की जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।